अस्सलाम वालेकुम। तो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम बनाएंगे पास्ता फ्लैग रेसिपी। तो हमने डाला है पैन में ऑयल, बटर, बारीक चॉप्ड की हुई लहसुन, बारीक चॉप्ड की हुई प्याज, बारीक चॉप्ड की हुई टोमेटो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, हमने पास्ता को उबाल लिया है नमक डालकर, थोड़ा ऑयल डालकर हम इसमें पास्ता मिक्स कर देंगे। फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब डालेंगे हम पास्ता मसाला, रेड ऑरेंज फूड कलर, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बटर, ऑयल, इसमें भी डालेंगे हम बारीक चॉप्ड की हुई गार्लिक, बारीक चॉप्ड की हुई ऑनियन, बारीक चॉप्ड की हुई ग्रीन चिल्ली, पास्ता, केचप, सॉल्ट, पास्ता मसाला। इसको डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें ग्रीन फूड कलर, फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर हम लेंगे बटर, ऑयल, इसमें डालेंगे हम चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ऑनियन, ब्लैक पेपर पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे पास्ता, सॉरी इसमें ऑनियन स्किप हो चुकी है शायद। फिर हम डालेंगे पास्ता मसाला, दही और मलाई का मिक्सचर इसमें डालेंगे हम।